हेलो गाइस, आप सभी को रेमो का नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2017 मेंस मैथ्स पेपर डिस्कशन में आपका हार्दिक स्वागत है। 9th मार्च 2018 शिफ्ट वन का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 9th मार्च को दो शिफ्ट में पेपर हुए थे। ये पहला शिफ्ट का पेपर डिस्कशन है। इसके ख़त्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरे शिफ्ट का भी पेपर डिस्कशन। इस पार्ट 7 में हम क्वेश्चन नंबर 63 से क्वेश्चन नंबर 80 का डिस्कशन करेंगे, तो प्राइमरली अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आने वाले हैं। मेरे बारे में थोड़ी जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। एप्ट्रिक्स का टेलीग्राम ग्रुप t.me/aptrixeclasses ज्वाइन करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में इसकी डायरेक्ट ज्वाइन लिंक भी दी हुई है, उससे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का, कि आप फेलो एस्पिरेंट्स के साथ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इस सीरीज में अभी तक बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, प्योर अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड, क्वेश्चन को देख के अप्रोच डिसाइड करते हैं कि कैसे थॉट प्रोसेस, बेहतर थॉट प्रोसेस से उस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। इस तरह की सोच आपको भी अपनी प्रिपरेशन में डेवलप करनी है। एक बार जब ये सारे पेपर के डिस्कशन खत्म हो जाएंगे, तो मैं एक एनालिसिस लेके कहीं ना कहीं आऊँगा कि व्हाट यू हैव टू डू नाउ, कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। विद कंप्लीट एनालिसिस आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा कि आपको कहाँ किस डायरेक्शन में मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो अभी इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। इसके पहले मुझे पिछले पार्ट के कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा और जानकारी आपको देनी है। कुछ क्वेश्चंस है जो आपको ठीक से समझ में नहीं आए, तो आपने ऑप्शंस में कमेंट्स में लिखा था, तो उसको मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है जो पिछली बार हम लोगों ने किए थे, ज़रा उनको एक बार मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम 63 से 80 का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो जहाँ तक याद है मुझे ये वाला था। इसमें आप लोगों ने बोला कि अगर हमने, जैसे मैंने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो मैंने आपसे कहा कि वेरिएबल टू कांस्टेंट की कंडीशन है। मैंने आपको समझाया भी था कि वेरिएबल टू कांस्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसके रखने पे आपको एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलनी चाहिए। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं उस चीज़ को समझा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर आपने लेट से बोला, मैं कह रहा हूँ कि अभी मुझे, मैंने उस दिन सारे ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए थे कि सारे ऑप्शन गलत हैं, कोई बात नहीं, आप कुछ भी ऐसा सोच लो, ठीक है, और ये देखो कि इस एक्सप्रेशन में जब भी पी क्यू आर की वैल्यू का सम 60 डिग्री होगा, तो उस केस में आपको पता है कि अगर आपने ए ऑप्शन लेट से सिलेक्ट किया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लेते हैं ए ऑप्शन सही है 1/2, तो पी क्यू आर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आंसर डिफरेंट डिफरेंट नहीं आ सकता है सर। वही बात हो गई ना, कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 के बराबर है, कोई कंडीशन मैंने आपको नहीं दी कि थीटा की वैल्यू क्या है। अब ये वैल्यू जब 1 के बराबर होती है, तो ये थीटा की हर वैल्यू के लिए बराबर होती है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, और सपोज करो आपको नहीं पता है कि ये 1 होता है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऑप्शन में क्या दिया होगा आपका, 1 दिया होगा, 2 दिया हो लेट से, सी आपका दिया है 1/2, और डी आपका दिया है लेट से 3/2, ठीक है। अब आप जरा एक बात बोलो मुझे कि थीटा की अलग अलग वैल्यू रख के जरा ट्राई करो। थीटा की वैल्यू आपने 0 डिग्री रख दिया, 0 डिग्री रखोगे तो क्या मिलेगा, 1। अब जरा 45 डिग्री रखो, 1/2 + 1/2 1। अरे भाई, साइन स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर का अगर आंसर कांस्टेंट, चारों ऑप्शन कांस्टेंट दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, कोई एक ऑप्शन सही है, और उसका ये भी मतलब है कि वही ऑप्शन हर थीटा की वैल्यू के लिए आएगा बेस्ड ऑन द कंडीशन, यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। तो इसलिए कई लोगों ने क्या किया कि जब मैंने उनको ये वैल्यू लेके दिखाया, और चूंकि मेरा कोई आंसर मैच नहीं किया, मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मार दिया कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं नहीं थी, अगर हम पी को 0 डिग्री लेते हैं और क्यू की वैल्यू भी 0 ले लें, और आर की वैल्यू अगर हम 60 डिग्री ले लें, तो उनका ये कहना था कि 1/2 शायद निकल के आ रहा है, ठीक है। आप रख लो जरा ये, यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 रख लो, 1, आर की वैल्यू आपने 60 रखी हुई है, तो कॉस आर आपका 1/2 हो जाएगा, ये कॉस पी माइनस साइन पी तो 1 हो गया, और ये वाला टर्म तो 0 रहना ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1/2 आ गई, तो कई लोगों ने बोला कि 1/2 आंसर सही है। सर जी, एक चीज़ आप आज बहुत ध्यान से समझो, ठीक है, कि थीटा की, पी क्यू आर की वैल्यूज़ बदलने से आपका आंसर नहीं बदल सकता। 1/2 तभी सही होता जब मुझे भी 1/2 मिला होता, मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं इस कंडीशन को, मैंने भी वायलेट नहीं किया, आपने भी नहीं किया है, आपके केस में पहला ऑप्शन मिल रहा है, मेरे केस में नहीं मिला, ये इस बात का प्रूफ है कि ये क्वेश्चन गलत है, या तो ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि दो वैल्यूज़ के लिए दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई,
तो ये कैसे कांस्टेंट हो सकता है आंसर? तो देखिए, अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं यहाँ पर आपको एक और रेमो मंत्र बताता हूँ, ठीक है, कि एग्ज़ाम में ये भी एक बहुत बड़ा कहते हैं ना वैलिडेशन है मेरे पॉइंट्स का, कि क्यों ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए, आपने अगर ये माना आपको 1/2 मिला, आपको पता है जब आपको 1/2 मिला तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 1/2 सही होगा अगर ये क्वेश्चन सही है तो 1/2 100% सही होगा, और या तो क्वेश्चन गलत होगा। वाई डू यू केयर? आपको एग्जाम में कोई PhD नहीं करना है, ये प्रूफ करके आना है ईमानदारी से कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। ये आप अपनी बेइज्जती मत समझना। अगर आपको एग्जाम में मालूम नहीं चला कि ये क्वेश्चन गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1/2 मिला, पता है दो ही चॉइसेस हो सकती हैं, कि या तो 1/2 सही होगा या फिर क्वेश्चन गलत होगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि PQR की हर वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उस हर एक वैल्यू के लिए आपको सेम ऑप्शन मिलना चाहिए हर बार। जैसे यहां पर मैं बात कर रहा हूं, थीटा की कोई वैल्यू ले लो, आपको 1 ही मिलेगा, वो बदल थोड़ा ना जाएगा। तो ये लॉजिक आप अंडरस्टैंड करो। देखिए, मैंने डिफरेंट वैल्यू रखी, मुझे नहीं मैच किया, मुझे तुरंत पता लग गया क्वेश्चन गलत है। पर आपने अगर ये वैल्यू भी रखी ना, तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा, ना ही ये मेथड फेल हो गया। आप कहोगे 1/2 आ रहा है, मार्क करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। अब क्या होगा बस केस में, ये क्वेश्चन गलत होगा। अरे भाई, हम तो एग्जाम में यही मान के जाते हैं ना कि क्वेश्चन सही है, और अगर वो गलत हो गया तो क्या फर्क पड़ता है आपको, ठीक है, आपको नंबर मिलेंगे। तो इसमें दो चीज़ें नहीं करनी है, दो बार नहीं करना है कि एक 1/2 मैच कर गया तो अब आप SSC को सही करने में बैठ जाओ कि नहीं ये क्वेश्चन सही था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप लॉजिक समझोगे, हर एक वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी उस पे आपको सेम वैल्यू आनी चाहिए, जो कि यहाँ दिख रहा है, मैंने जो लिया उससे नहीं आया था तो मेरा ऑप्शन मैच ही नहीं किया, मैंने बोल दिया गलत है और क्वेश्चन वाकई में गलत है। आपने जो वैल्यू रखी उससे आपको 1/2 तो मिल गया, लेकिन 1/2 मिलने के बाद ये क्वेश्चन सही नहीं हो गया और मैं गलत नहीं हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन अब भी गलत है, समझ रहे हो कि नहीं। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो 1/2 दे दे रहा है, लेकिन हर एक वैल्यू के लिए 1/2 ये नहीं दे रहा है, तो ये क्वेश्चन सही नहीं है। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, जब भी इस तरह के सवाल हो, अगर आपका एक ऑप्शन मैच कर गया और बाकी ऑप्शन में वो सेम वैल्यू नहीं दी हुई है, कॉन्स्टेंट में तो हो ही नहीं सकता दो ऑप्शन सेम, आप उसको मार करके आगे बढ़ जाओ, आप कभी भी नेगेटिव नहीं जाओगे, या तो आपको नंबर मिलेगा, सबको मिलेगा अगर क्वेश्चन गलत होगा तो, या आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, आपका सही होना तो आप तो सही हो गए ही होगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आएगा, ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन में बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52 में ये -1 जो है ना, ये बाहर था, ठीक है, तो ये मैं करेक्ट कर देता हूँ और फिर देखते हैं क्या चेंज आता है। कि कई लोगों ने कमेंट में भी लिखा था कि ये -1 यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये -1 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, बाहर है, बिल्कुल आपके पास ही, क्योंकि ब्रैकेट यहीं लगा हुआ है। तो अगर -1 आपने बाहर ले लिया, तो आप जरा चेक करो कि आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। भाई, 1060 क्या होता है, √3, तो ये हो गया 1 - √3 का होल स्क्वायर। cos 60 आपका क्या होता है, cos 60 आपका 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये 1/4 हो गया यहाँ पर, राइट, ये आपका 1/4 हो गया, ये -1 हो गया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो आप और देखो आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। 4 - 1 - √3 का होल स्क्वायर -1 ये बन रहा है। अब देखिए, इसको अगर मैं स्क्वायर भी कर लूँ तो यहाँ पर जो टर्म मुझे बचता हुआ दिख रहा है, ये 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 - 2√3। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना, तो 4 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू देखिए सर, ये कहीं भी -sin 2θ हमको या कुछ और बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। कई लोगों ने कमेंट किया था -sin 2θ बन रहा है, तो आप देख लेना, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है, आप बाकी चेक कर लो। क्योंकि यहाँ अभी ये मैच करता हुआ कुछ दिख नहीं रहा, -1 को बाहर लेने के बाद भी जो भी ये वैल्यू आपकी गिवन है ना, ये 1 - √3 बन रहा है 1060, और 1 - √3 को जब हम स्क्वायर कर भी रहे हैं ना, इसको अगर स्क्वायर आप कर लोगे, ये 4 ऊपर आएगा, उसके बाद भी ये सिंप्लीफाई होकर कोई आंसर आपको नहीं देने वाला। क्योंकि देखिए, sin 2θ cos 2θ ये सब एक एक टर्म आएंगे इसमें। भाई, जैसे sin 2θ की बात करें विद -sin, तो -sin 60 हो जाएगा, -sin 60 आपका क्या होता है, -√3/2 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, ये सिंप्लीफाई होकर आपको कोई आंसर नहीं देने वाला, तो ये क्वेश्चन भी अल्टीमेटली गलत ही है। अब मान लें इसमें आपने कोई वैल्यू ऐसी रखी होती कि उस वैल्यू से कोई एक ऑप्शन मैच कर गया होता, तो आप उसको मार्क करो। अगर आपका चारों में से कोई एक ऑप्शन मैच कर रहा है किसी भी वैल्यू को रखने पे, कोई एक ही मैच कर रहा है, तो या तो वो सही होगा या फिर वो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। आप मार करके आगे बढ़ जाओ, आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना है एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी इन दोनों सवालों में, 51 और 52 में,
आपको अपना समय अगर बचाना है तो आपको सही में ट्रेडिशनल छोड़ के इधर आना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कहते हैं ना कि अनकन्वेंशनल इस तरह से है कि आप इसको, आप इसका पहले लॉजिक समझो। लोग आपको ये सिखा देते हैं कि वैल्यू रख दो और आंसर निकाल लो। मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश करी है कि क्यों वैल्यू रखते हैं और इसका क्या मतलब होता है, उसके बिहाइंड लॉजिक समझाने की कोशिश करिए। कैसे आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते थे कि वो क्वेश्चन गलत है, और कैसे आप एक ही वैल्यू रख के अगर एक ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप क्यों आगे बढ़ सकते हो बिना टेंशन लिए हुए कि ये क्वेश्चन सही है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के डिस्कशन की, और आज का डिस्कशन अब शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 63 से। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे समय से। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि इफ़ एक्स बीकर्स ऑफ 100 ml कंटेनिंग 1:4 एसिड वाटर सोल्यूशन आर मिक्सड विद वाई बीकर्स ऑफ 200 ml कंटेनिंग 3:17 एसिड वाटर सोल्यूशन, देन द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम्स 19:91, फाइंड एक्स रेशियो वाई। हिंदी में कह रहा है कि यदि अम्ल पानी के घोल जिसका रेशियो 1:4 है उसके 100 ml वाले एक्स बीकर लिए जाएं, और एक दूसरा अम्ल पानी का घोल है जिसमें 3:17 आपको अम्ल और पानी का रेशियो दिया हुआ है उसके 200 ml वाले वाई बीकर में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 19:91 दिया गया है, एक्स रेशियो वाई ज्ञात करें। तो बहुत आसान सवाल है, और यूजली मैं ऐसे सवालों में पेन तो नहीं उठाता हूँ, पर मैं आपको पेन उठा के समझा दूंगा, ठीक है, और फिर आपको समझ में आएगा कैसे आप जल्दी जल्दी आंसर मार्क कर पाओगे। बहुत ध्यान से देखना, आपको लगता है अरिथमेटिक आती है, आप अगर थोड़ा सा मेरा साथ दोगे समझने की कोशिश करोगे तो आपको अरिथमेटिक यहाँ अगर है ना तो मैं यहाँ खड़ा कर दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं क्वेश्चंस को जल्दी करने की, वो मैं समझाऊंगा आपको, बस डिस्कशन को ध्यान सुनिए। देखिए 100 ml 1:4 एसिड वाटर सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो 1:4 एसिड वाटर सोल्यूशन है ये आपका, इसमें आपने क्या लिया है कि x बीकर्स लिए हैं 100 ml के। तो अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं पहले वाले के तो ये 100x होगा या नहीं होगा, बिल्कुल 100x टोटल वॉल्यूम, और करेक्टरिस्टिक जो है जो रेशियो है एसिड वाटर का वो 1:4 दिया है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एसिड और वाटर का रेशियो 1:4। यहाँ पर फिर आए जो एसिड और वाटर का रेशियो दिया है वो आपको दिया है 3:17, और यहाँ पर आपका ये हो गया 200y, ठीक है। आप ध्यान से ज़रा समझो यहाँ पर कि जो फाइनल मिक्सचर इन्होंने हमें बताया है उसमें कह रहे हैं कि ये 19:91 हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इन दोनों का रेशियो आप यही निकाल सकते हो, क्वांटिटी रेशियो जिसको बोलते हो आप वेट रेशियो। तो अगर आप निकालोगे तो आप देखिए 100 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स रेशियो 2y, ये वॉल्यूम का रेशियो है जिसमें इनको मिक्स किया जा रहा है, एक्स रेशियो 2y। तो अब जरा क्या करना है, आपको ये फाइनल मिक्सचर भी दिया हुआ है तो या तो आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो, ठीक है। एलिगेशन आप लगाने जाओगे तो आप कैसे लगाओगे, देखिए एलिगेशन अगर आपको लगाना है तो आपको सिंपल सी स्टोरी क्या करनी पड़ेगी कि आप इसको सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करो, रेशियो वेरिएबल में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो या तो आप स्ट्रेट एलिगेशन लगाओगे जो मैं एलिगेशन में पढ़ा चुका हूँ क्रैश कोर्स में, SSC वाले क्रैश कोर्स में, जिसके वीडियो यूट्यूब पे हैं आप देख सकते हो, और या फिर आप वेटेड एवरेज का एक्सप्रेशन लगा लो, क्योंकि यहाँ रेशियो खुद में वेरिएबल है। पहले मैं ट्रेडिशनल तरीका बता देता हूँ फिर मैं आपको अपना तरीका बता दूंगा, ठीक है, देखा और लगाया, ठीक है। तो चलिए एलिगेशन लगाते हैं भाई, एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ ये आ जाएगा आपका एसिड 1:5, यहाँ एसिड आपका आ जाएगा 3:20, और जो फाइनली आपको मिलता है वो क्या मिल रहा है 19:110, ये फाइनल मिक्सचर है। तो अब हमें लगाना है एलिगेशन। तो देखिए इसमें करते क्या है कि सबसे पहले आप ना सबके डिनोमिनेटर सेम कर लो फ्रैक्शन वाले, तो फिर आसानी से चीज़ें लग जाएंगी। तो फ्रैक्शन वाला डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर देखो आप कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया है 110, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 5 और यहाँ दिया हुआ है 20। तो सबसे बेहतर क्या रहेगा कि हम 220 बनाते हैं डिनोमिनेटर में, 220 बनाते हैं। तो 220 बनाने के लिए आप देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 44 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 44 करेंगे तो 220 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 44, ठीक है। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखना, ये वैल्यू 220 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 33/220 हो जाएगा, हटा दिया,
यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो ये 38 बाई 220 आया। तो सब में डिनोमिनेटर में 220 आ जाता है, तो अल्टीमेटली रेशियो निकालने से एलिगेशन में वो कैंसिल ही हो जाना है, तो उसको भूल जाइए। यहाँ पर अब देखो क्या आ गया, 5:5 और ये वैल्यू आपकी आ गई 6। अब 5:6 आ गई, देखिए एग्जामिनर बहुत अच्छा है कि उसने 5:6 ऑप्शन नहीं दिया है, अगर मैंने बनाया होता पेपर तो एक ऑप्शन 5:6 भी देता। कई लोग जोश में आके होश खो बैठते हैं, 5:6 देखा मार्क कर दिया, ठीक है, बाद में पता लगता है कि बहुत बड़ा धोखा हुआ उनके साथ। ठीक है, ये 2x निकला है सर, क्योंकि ये जो रेशियो निकला आपका, ये 2x निकला है। आपको निकालना क्या है, किस चीज़ को मार्क करना है, एग्जाम में हमेशा ध्यान रखिए, रैमो मंत्रा बता रहा हूँ, जो चीज़ निकालनी है ना उसको थोड़ा गहराई से पढ़ लेना, जब पढ़ रहे हो ना तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि भैया मुझे निकालना है क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली जो निकालना है जब वही निकालोगे तभी नंबर मिलेगा आपको, जो निकालना है अगर वो नहीं निकालोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि निकालना क्या है, x:y, तो उसी को मार्क करेंगे। 5:6 निकाल के पूरी मेहनत पे ना एसिड मत छोड़ देना, ठीक है, पूरी मेहनत पे एसिड छोड़ देना या पानी छोड़ दो, दोनों खतरनाक ही हैं, है ना, सारी मेहनत पे पानी मत फेर देना, एसिड भी मत छोड़ देना, बुद्धिमानी से x:y निकालना जो कि 5:3 आएगा यहाँ से, और उसको मार्क कर देना, ठीक है। पर ये मेरा तरीका नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आए जो आप जानते हो। मेरा तरीका देखिए क्या है, मेरा तरीका बड़ा ही आसान है और बहुत ही जल्दी हो जाता है उससे। पहली चीज़ तो मैं थोड़ा परसेंटेज के टर्म्स में चीज़ों को देखना बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं इसको देखूँगा 1:4 और मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो एसिड का परसेंटेज है ना वो 20% है, 1/5 को 20% बोलते हैं, 1/5 टोटल, ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चन को एक्चुअली पढ़ रहा था, मैं आपको बताऊँ तो 1:4 देखते ही मुझे एसिड परसेंटेज वहीं दिखने लगा था कि ये 20% है। यहाँ ये 3:17 है, 3:17 है तो मुझे ये भी दिख रहा है कितना होगा भाई, 3/20 का मतलब ये आपका 15% है, तो ये भी जब देखा मैंने तो मेरा परसेंटेज मुझे दिख गया 3/20। फिर देखो ये वैल्यू जो 19/91 है ना, ये 19/ आप ज़रा ध्यान से देखना, ये आपका है 110। आप अगर मेंटली थोड़ा सा विजुलाइज करोगे, ज़्यादा बहुत टेंशन नहीं लेनी है आपको, कि ये आपकी वैल्यू कितनी दी है 11। अब देखो जरा इसका जो 10% होगा डिनोमिनेटर का वो 11 के बराबर होगा, मैं इस वैल्यू को देखते ही इसका रफ परसेंटेज लिख सकता हूँ, मैं इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये लगभग 18% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कैसे भाई, वो बता रहा हूँ मैं आपको कि 11 × 18 जो होता है ना आपका, ये 1 और आपका 17, तो इसको देखते ही ना आपके दिमाग में इसका परसेंटेज घूमना चाहिए। देखिए ये 17% से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, क्यों भाई, अब जरा ध्यान से समझा देता हूँ क्यों कह रहा हूँ मैं, कि ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये वैल्यू आपकी एक्चुअली 11 × 17 जो होता है ना, ये 187 होता है। जब भी किसी 2-डिजिट नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो उसी का सम उसके बीच में आ जाता है, ठीक है, तेज गुणा कर सकते हो ऐसे, या फिर आप 10+1 लिख लो इसको, 170+17 187 होता है। आपको क्या चाहिए, 19 चाहिए ना। अब देखो 10% क्या है, 11, 10% अगर 11 है मेरा, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं 10% को कहूँ, अगर 10% ये 11 है, इसको मैं 1.7 से मल्टीप्लाई करूँ यानी 17%, तो मुझे क्या मिल रहा है आप बताओ, 18.7, जो कि 19 के बहुत करीब है, यानी परसेंटेज 17 के बहुत आसपास है। बस इतना अगर मुझे पता है कि 17 के बहुत आसपास है, तो मैं इसी को लेकर जरा करूँगा और मुझे मिलेगा यहाँ पर 2 और मुझे यहाँ मिलेगा 3, ठीक है, मुझे यहाँ डिफरेंस मिला 2 और मुझे यहाँ डिफरेंस मिला 3। देखिए 2:3 निकला, अब ये जब 2:3 निकला तो ये अगर मैं 1:y निकालना चाहता हूँ तो मुझे पता है ना कि ये 3 नहीं है, ये फिर 1.5 हो जाएगा। अब ये रफली देख लो किससे मैच कर रहा है, रफली एग्जैक्टली में नहीं जाने की ज़रूरत है आपको, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा तो यहाँ 4:3, ठीक है, बट आपको पता है ये सफिशियंट है आपको पहला आंसर मार्क कराने के लिए। क्यों बता रहा हूँ, आपको पता है ना कि 17 मैंने लिया था, पर ये 17 नहीं था, 17 से थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर मैं 17 से थोड़ा ज़्यादा करूँगा इसको, तो ये डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और ये डिफरेंस थोड़ा कम होगा, तो ये जो वैल्यू मुझे अभी 4:3 दिख रही है ना, ये वैल्यू ये बढ़ेगी और ये थोड़ा सा कम होगी करस्पॉन्डिंगली, तो अल्टीमेटली जो रेशियो मिलने की गुंजाइश है वो पहली ही है। आप चौथे ऑप्शन को ध्यान से देखना, 13:7, ये तो नहीं मिलना है, तो बहुत वाइड गैप है। बी और सी में क्या है कि पहला कंपोनेंट कम आ रहा है, पहला कंपोनेंट कम आ रहा है, जबकि मुझे साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से ज़्यादा आना चाहिए, तो इस तरह से बी और सी रिजेक्ट हो गए।
और ए और डी में ए साफ साफ दिख रहा है कि वो सही है। अब देखिए इसमें अगर आपको और थोड़ा करीब जाना था इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, इवन आप और करीब जा सकते थे। आप कहते कि भाई मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल के दिखाओ तभी मानूंगा मैं, तो मैं इसका परसेंटेज उठा के लिख दूंगा सीधे, 17 से ही 3/11%। कैसे भाई, आपने जब लिखा ना इसको, आप ऐसे जब इसको डिवाइड करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये 190/11 बनेगा। 17 टाइम्स गया, 3 रिमाइंडर बना, 3/11% लिख दिया। अब जरा आप लिख लो रेशियो, अगर आपको एग्जैक्ट परसेंटेज के टर्म्स में निकालने में इच्छा है तो कर लो। आपको 15 और 17 इनका गैप निकालोगे तो आपको मिलेगा 2/3/11%। इन दोनों का अगर गैप निकालने जाओगे तो आपको पता है 8/11 अगर जोड़ा तो 18 मिला, तो 2/8/11, ठीक है, ये मिला मुझे दोनों गैप। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, 11 2 22 3 25, रेशियो 22 8 30, 5:6 आ गया सर, तो आंसर क्या हो गया, 5:3, है ना। तो दोनों तरीके वैलिड हैं, आपको जैसे करना है करो। इवन एग्जैक्ट भी निकालने के लिए मुझे ये तरीका इससे तो बहुत बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा परसेंटेज से खेलना शुरू कर दीजिए, अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो आपका जीवन सरल हो जाएगा, वरना जीवन बहुत मुश्किल रहेगा। तो थोड़ा सा हर चीज़ को अलग अलग डायमेंशन में अगर आप देखते हो तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, एग्जाम में आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, इन व्हाट रेशियो शुड 20% एथेनॉल सॉल्यूशन बी मिक्स्ड विद 40% एथेनॉल सॉल्यूशन सो दैट वी ऑब्टेन 28% एथेनॉल सॉल्यूशन। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको आंसर ऐसे ही लगा ही देना चाहिए, इसमें तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए। हिंदी वाले बच्चों के लिए लिखा हुआ है 28% एथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% एथेनॉल घोल को 40% एथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। तो एटली तो मुझे ये सवाल करना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी बस मैं लिखूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ये है साइलेंट एक्सप्लेनेशन, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये साइलेंट एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़ोर शोर से सुनाई देगा और आप सब कुछ बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। और मैंने इसको मार्क भी कर दिया और ये साइलेंट सॉल्यूशन ख़त्म भी हो चुका है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इक्वल अमाउंट्स, 4 months लेटर सी ज्वाइंस देम बाय इन्वेस्टिंग ₹3.5 lakhs, बाय विड्राइंग हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बी लीव्स द बिजनेस 4 months आफ्टर सी ज्वाइन, एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेस मेक्स ₹62,400 प्रॉफिट आउट ऑफ विच ए कलेक्ट्स ₹24,000 इज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाउ मच शुड बी पेड टू सी इज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ए बी ने एक बिजनेस शुरू किया, बराबर पैसा लगाया, 4 महीने बाद सी ने ज्वाइन किया, 3.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, और बाई विड्रॉइंग इज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बी लीव द बिजनेस 4 months आफ्टर सी ज्वाइन। तो जब सी ने ज्वाइन किया तो बी ने उसके 4 महीने बाद छोड़ दिया। कुल मिला के देखिए कहानी ये हो रही है आपका कि आपका ए बी सी जो 12 महीने का पीरियड है, यहाँ तक बी का इन्वेस्टमेंट है, पूरे टाइम के लिए ए का इन्वेस्टमेंट है, और इतने पीरियड के लिए सी का इन्वेस्टमेंट है, मतलब बी और सी का टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट बराबर है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक फ्लॉ है, वो मुझे साफ साफ दिख रहा है। कैसे, देखिए इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में मुझे ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो तो तुरंत पता है, क्योंकि इनका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, बराबर है। इनका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर बराबर है तो ये जो टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वही प्रॉफिट रेशियो हो जाता है ए और बी का, एटलीस्ट 3:2 हो गया। अब अगर ये 3 करिस्पॉन्ड कर रहा है 24,000 को, तो ये 2 किसको करिस्पॉन्ड करेगा, 16,000 को। अगर ए ने कलेक्ट किया 24,000 जो कि 3 को करिस्पॉन्ड करेगा, तो बी कितना कलेक्ट करेगा, 16,000। अब ध्यान से देखो, इसी डेटा से सी का प्रॉफिट निकल जाएगा, सी का प्रॉफिट निकल जाएगा कि इन दोनों का सम 40 हो गया, 6,24,000 में, सॉरी 62,400 में से 40,000 चला गया ए और बी को, तो इसका जो बचा वो तो क्या हो गया, 22,400, राइट। तो देखिए आंसर मार्क करने को तो ये मार्क कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो पार्टनरशिप की थियरी आपने पढ़ी है उसमें ये दिया होता है कि जो तीनों के प्रॉफिट्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, वो रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के प्रोडक्ट के। पर यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से ये 3.5 इंटू जो इसका टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका कोई रोल ही नहीं है, अगर इन्होंने ये प्रॉफिट दे रखी है तो, ठीक है।
तो उसका इन्होंने कोई रोल आपको दिया ही नहीं है, मतलब ये इसका प्रॉफिट अगर मालूम है तो बी का मालूम है तो इसका मुझे पता है। तो इनका जो अब डेटा दिया हुआ है, आपको पता है एग्जाम में कभी दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, मैंने क्या कहा कि जो ये पूछ रहे थे वो दो से निकल गया, आप मार्क करके आगे बढ़ जाओ। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर इन्होंने चीज़ें मिस करी हैं, मतलब ये इनकंसिस्टेंट डेटा है, लेट से आप कहोगे कि 3.5 को 8 महीने से लेने पे ना इसका जो रेशियो है ना निकाल के अगर हम करने की कोशिश करें तो ये नहीं मिलने वाला है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। आप अपना दिमाग मत खराब करिए, ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन को बहुत ही इल फ्रेम किया है कि या तो उन्होंने हमें अननेसेसरी डेटा दिया, उन्होंने सी के बारे में 3.5 लाख बताने की क्या ज़रूरत थी, नहीं बताते, कहते सी ने भी कुछ किया है बता दो, निकल जाता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सी का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे के और टाइम पीरियड दे के ना ये डेटा कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब अगर आप रेशियो में प्रॉपर लिखें इसको मैच कराएं जाके तो हो सकता है कि उस रेशियो से कैलकुलेट करने पे आपको ये 22,400 ना मिले, समझ रहे हो ना आप। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ तो मेरा सिंपल सा फोकस क्या है कि आंसर निकला, अब या तो वो आंसर सही होगा या फिर क्वेश्चन गलत होगा, मैं क्यों अपना दिमाग ख़राब करूँ। तो इसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ जाइए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऑप्शन ये गलत तो नहीं हो सकता, ये गलत तो नहीं हो सकता, हो सकता है सही भी ना हो, तो सही जब नहीं होगा तो किसी का सही नहीं होगा क्योंकि इन्होंने खुद ही डेटा गलत दिया होगा, मैं अपना टाइम उसमें वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये एटीट्यूड लाओ आपकी, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि ए एंड बी इन्वेस्ट इन द रेशियो 3:7 एक बिजनेस में, कह रहा है बिजनेस का प्रॉफिट जो है 60,000 हुआ पहले साल में, दे डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर री इन्वेस्टिंग 40% ऑफ द प्रॉफिट, सो हाउ मच ए विल गेट। ये कितना आसान सवाल बना के जो है रख देते हैं कि ऑप्शन लगाने का भी मन नहीं करता है, ठीक है। देखिए 3:7 का कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट किया गया है, टाइम पीरियड के बारे में कुछ बात नहीं की गई, मतलब टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों का बराबर होगा, उस व्यवसाय में जो निवेश है दोनों का बराबर समय के लिए होगा, तो उसी रेशियो में इनको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो आप कहोगे भाई इनको प्रॉफिट मिलना चाहिए 3:7 में, यानी अगर मैं ए के प्रॉफिट की बात करूं तो आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ये कितना हो गया 30%, 3 out of 10, ठीक है। लेकिन ये 40% बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो री इन्वेस्टमेंट अगर ये कर रहे हैं तो इसमें इनको मिलेगा कितना, जितना मिलना था इनको मिलना था 30% ऑफ 60,000, पर अब उतना नहीं मिलेगा, अब इसका उन्हें 60% ही मिलने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि 40% इन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया उस प्रॉफिट का, तो टोटल 60% जो बचेगा उसी का री इन्वेस्टमेंट होगा। अब आप देखो यहाँ से 60% है, यहाँ 60,000 है, आपको 36 मिलेगा, ठीक है 36 मिलेगा, 00 के बारे में भूल जाओ, उसकी ज़रूरत नहीं है, सब में नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हैं। फिर 30 है तो अल्टीमेटली 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 108 आ रहा है, देखो 108 कहाँ आंसर में शुरुआत हो रही है, वही सही होगा। थर्ड ऑप्शन बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल रेशियो और परसेंटेज का इस्तेमाल करना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि ए कैन डू ए वर्क इन 72 डेज एंड बी इन 90 डेज, दोनों एक साथ काम करते हैं 10 दिनों तक, तो बताना है काम का कितना फ्रैक्शन बाकी रह गया है। बहुत आसान सवाल है, 3/4 आंसर है, 3/4 बाकी रह गया है। आपको कहोगे इतना जल्दी कैसे कर लेते हो, आदत है, ठीक है आप भी डालोगे तो आपका भी जल्दी हो जाएगा। देखिए कैसे मैंने जल्दी किया, ये कह रहे हैं कि 72 डेज लगाता है उस काम को करने में और बी 90 डेज लगाता है, तो मैं परसेंटेज के टर्म्स में एक्चुअली क्वेश्चन को सोचना पसंद करता हूँ। तो अगर मैं 1/72 निकालने जाऊँ, राइट, तो मुझे देखिए 1/24 पता है 4.16% होता है, अगर मैं 1/72 निकालूंगा तो ये फर्दर क्या होगा, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, ये वैल्यू आपको दी है, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आप कहोगे कि अप्रॉक्सीमेटली 1.4%, 1.4% इंटू 3 4.2 होता है, मैं रफली 1.4 लिख रहा हूँ, रफली ये जो वैल्यू है ना 90 डेज वाली, 1/90 तो सोचना ही नहीं आपको, 1.11% होता है रफली, है ना। इन दोनों का अगर आप सम करते हो ना तो आपको मिल जाएगा कितना 2.51, ठीक है परसेंट, लगभग 10 दिन की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे देखना ना लगभग कितना काम हो जा रहा है, 25% के आसपास काम हो गया, तो 75% के आसपास काम बाकी है 3/4। तो मैं देखिए परसेंटेजेज में बहुत क्विक हूँ, तो जब भी इस तरह के स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यूज़ दी होती है, मैं आपको बताऊँ जितना टाइम मुझे क्वेश्चन को पढ़ने में लगता है उतना ही टाइम समझ लो सॉल्व करने में लगा, पढ़ते पढ़ते जहाँ क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ मेरा आंसर आ चुका होता है, क्योंकि मैं परसेंटेज के टर्म में इन वैल्यूज़ को 72 को मैं देख पाता हूँ 1.4% रफली, 1/90 को 1.11, तो इनका सम मुझे दिख रहा है 2.5 रफली, 10 25% आंसर क्या हुआ 75%।
परसेंटेज में डील करने का फ़ायदा यही होता है कि रिमेनिंग वर्क जो होता है वो अपने आप मालूम होता है, क्योंकि टोटल वर्क हमेशा 100% होता है। तो अगर हमेशा 100% होता है तो 25% अगर हो गया तो कितना बाकी है, 75%, जो कि पहला ऑप्शन है। आप इसको वैसे भी कर सकते थे कि भाई आप लिखते 10/72 प्लस 10/90, इतना काम हो जाएगा, फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता, लेकिन एलसीएम उलसीएम निकालो आप, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते थे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते जितना भी हो सकता था आपसे। यहाँ 5 करते, यहाँ आप कहते 36 हो गया, यहाँ आप कहते कि ये 5, आप यहाँ फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते थे, 1/9 हो गया ये, फिर 36 आपका एलसीएम हो जाता, यहाँ 5 आ जाता और यहाँ आ जाता आपका 4, 9/36 आपका हो जाता 1/4, हो गया बचा कितना 3/4। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। ये कह रहा है कि ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन इज बी, सी अलोन टेक्स 48 डेज टू पेंट ए हाउस, ऑल थ्री ए बी सी वर्किंग टुगेदर टेक 16 डेज टू पेंट ए हाउस, इट विल टेक हाउ मेनी डेज फॉर बी अलोन टू पेंट दैट हाउस। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि जब इस तरह के सवाल होते हैं तो मैं जितना टाइम पढ़ने में लगाता हूँ उतने ही टाइम में आंसर भी आ चुका होता है। ये कैसे हुआ? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। तो पहले क्वेश्चन समझाता हूँ कि कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है और सी अकेले घर को पेंट करने में 48 दिन लेता है, ए बी सी अगर 7 काम करेंगे तो पेंट करने में 16 दिन लगता है। आपको बताना है कि उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी को कितना टाइम लगेगा। देखिए मैंने क्या सोचा और वही मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर मैं कहूँ कि ये 48 दिन है और ये 16 दिन है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि काम यहाँ पर 1/3 टाइम में हो गया, ए बी सी साथ में थे तो 1/3 टाइम में हो गया। तो 1/3 टाइम में हो गया, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसीज सी अकेले की कंबाइंड सी अकेले की एफिशिएंसी का 3 गुना है। और यहाँ पर देखो सी भी है, अगर मैं सी की एफिशिएंसी को थोड़ी देर के लिए मान लूँ 1, अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ पर ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 3 हो जाएगी और ए और बी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है फिर हो जाएगी 2। ए और बी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी आपकी 2, क्योंकि सी खुद 1 था उसका। अब इन दोनों का जो रेशियो है वो आपका दिया हुआ है कि ये 3:1 है एफिशिएंसी रेशियो। आप मुझे बताओ कि ये जो काम है, आप जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, कि अब मुझे बी की जो एफिशिएंसी है मुझे मिली 3:1, टोटल एफिशिएंसी 2 है, तो ये बी जो है इसकी एफिशिएंसी आपकी कितनी निकलेगी एक्चुअल में? अगर 2 को आप 3:1 में डिवाइड करोगे तो बी के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? आधा। बी के करस्पॉन्डिंग आधा आ गया। अब जरा मुझे आप बताओ सी की एफिशिएंसी कितनी थी? 1, तो उसको 48 दिन लगा, बी की एफिशिएंसी उसका आधा है तो दिन कितना लगेगा? डबल, 96 हो गया आंसर। जितना सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को समझोगे उतनी ही आसानी से आपके आंसर निकलेंगे। तो ये चीज़ अपने मन में बिठा लो कि मुझे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले समझना है। और मैं आपको बताऊँ, एक बार जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना तो क्वेश्चन 1 रीडिंग में समझ में आने लगते हैं। अभी आपका रिग्रेशन भी होता है क्वेश्चन में, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाते हो, बार बार पढ़ते हो, ठीक है, बार बार नहीं पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन। अगर आप एक बार अच्छा कंसंट्रेशन है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, तब तो आप पढ़ते पढ़ते कैलकुलेट करोगे मेरी तरह, आपको क्वेश्चन को रिपीट करके नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो उससे भी आपकी स्पीड इंप्रूव होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि सी इज 5 times इज प्रोडक्टिव एज बी, ए टेक्स 60 days टू कंप्लीट ए टास्क, ए बी सी वही कह रहा है 12 दिन लगाते हैं, तो इन हाउ मेनी डेज। अब देखिए कितना अच्छे लोग हैं ये कि वही सवाल उठा के इन्होंने दोबारा दे दिया, ठीक है। तो उसी का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। इसका आंसर आपका 90 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, समझते हैं कैसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आया, 12 दिन लगे ए बी सी को एक साथ, सी क्या है 5 times इज प्रोडक्टिव इज बी है ना, तो ये हो गया 5:1 का रेशियो सी और ए के, सी और बी के बीच में, है ना। ए को 60 दिन लगते हैं, ए बी सी को कंबाइंड 12 दिन लगे, यानी 5 गुना एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अगर मैं ए को भी 1 मान लूँ, ए को भी अगर मैं 1 मान लेता हूँ, तो जो बी और सी का टोटल आने वाला है एफिशिएंसी का, वो आप कहोगे 5-1 यानी 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 5 और 1 का रेशियो है एफिशिएंसी का और टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। अब मैं, मुझे बी का निकालना है ना, तो मैं बी का निकाल लेता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे टोटल 6 corresponds to 4, तो 1 किसको करस्पॉन्ड करेगा? 6 अगर 4 को करस्पॉन्ड कर रहा है सर, तो आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/3, 1 करस्पॉन्ड करेगा 2/3 को,
तो वन किसको करिस्पॉन्ड कर रहा था, जो एफिशिएंसी का पार्ट गया बी को, 2/3, ठीक है, यानी बी की एफिशिएंसी 2/3 है, ए की एफिशिएंसी आपको पता है 1। आप देखो यहां पर इन दोनों की जो एफिशिएंसीज हैं, एफिशिएंसीज का रेशियो है, अगर ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आप निकालो तो आपको क्या मिलेगा, 3:2। तो यहां जो टाइम लगा आपको, एफिशिएंसी रेशियो और टाइम रेशियो आपको पता है रेसिप्रोकल होते हैं, 2:3, तो यहां अगर लगा 60, 2 करिस्पॉन्ड टू 60, तो 3 विल करिस्पॉन्ड टू 90 आंसर हो गया। अब देखिए ये एक शुद्ध प्रूफ है कि एसएससी के पेपर सेटर कितना दिमाग लगाते हैं। देखो जरा, दो सवाल और एक ही सवाल, मुझे इसका लॉजिक तो समझ में नहीं आता कि आप क्या टेस्ट कर रहे हो बच्चों के, है ना, कि बेटा जिसको ये नहीं आता है वो अगला भी नहीं कर पाएगा, इसी में खुश रहते हैं क्या ये लोग, और जिसको ये आएगा वो अगला भी लगा लेगा, तो कैसा गेम खेलते हैं आपके साथ। देखो मतलब ये साफ साफ एक प्रूफ है कि, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, कि वो कितना दिमाग लगाते हैं आप देख लो, यहाँ पर बगल बगल में एक ही सवाल डाल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ ए जॉब इन 9 days, बी कैन कंप्लीट 25% जॉब इन 9 days, इफ दे वर्क टुगेदर ऑफ, तो हाउ मच ऑफ द जॉब, बताओ ये क्या सवाल इन्होंने पूछा है, है ना। चलो इसका आंसर मैं मार्क नहीं करूंगा डायरेक्टली, मुझे शर्म आ रही है। कह रहे हैं ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है, बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा कर सकता है, यदि वह अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वह एक साथ मिल जाए तो 9 दिन में कितना काम पूरा हो सकता है। ठीक है, तो देखो भाई 9-9 दिन का सब कुछ दे रखा है आपने, मैं जोड़ दूंगा कि ये 50 हो गया और ये 25 हो गया, जुड़ गया 75 हो गया, एक साथ काम करेंगे तो 9 दिन में 75% काम पूरा हो जाएगा। क्या सवाल था ये बताओ, क्या सवाल था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं कि टाइम एंड वर्क की बेइज्जती कर रहे हैं लोग, ऐसा सवाल पूछ। 71 कह रहा है, गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 60% इज इक्वल टू गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ हाउ मच, 84%। कई तरीके इस क्वेश्चन को करने के हैं, एक तरीका आप 100 से शुरू कर लो, 60% घटा दो, क्या मिलेगा आपको, 40 मिल जाएगा, फिर से 60% कम कर दो, 24 और कम हो जाएगा। देखो जरा, यहाँ 60 कम हुआ, यहाँ 24 कम हो गया, दोनों को जोड़ दो, 84% हो गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्या होगा, 0.4 × 0.4 आपको मिल जाएगा 0.16, 0.16 मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, 84% डिक्रीज हो गया 84। बाकी जिनको फार्मूला आता है लगा लो, इससे तेज़ नहीं लगेगा, ठीक है, फार्मूला ज़्यादा ही टाइम ले लेता है, क्योंकि नंबर्स के टर्म में सोचना आसान होता है, इसलिए आप इस तरह की आदत डालो। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ गए, कह रहा है एक आइटम को मार्क किया गया है 480 रुपीज़ में और उसको बेचा गया है 400 रुपये में, तो इफ़ेक्टिव डिस्काउंट क्या है। ठीक है, ये देखिए आपकी कठिन कही जाने वाली एसएससी ने क्या किया है, क्या पूछ रहे हैं आपसे, है ना, 80/480 कितना होता है आपका, 1/6, 16.67%। पेन वन नहीं उठाने, इसमें 480 रुपये का सामान 400 में बेच दिया, कितना डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, 1/6। आप यहीं डिवाइड कर सकते थे 80 से, तो यहाँ ये हो जाता 6, यहाँ हो जाता ये 5, और यहीं दिख जाता साफ साफ 1/6, है ना, ऐसे भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ गए, कह रहा है एक आइटम है उसमें 5% का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है, मार्क प्राइस 25,000 है, फिर एक एडिशनल सीजन्स डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, और उसके बाद वो आइटम सोल्ड हो रहा है 20,900 रुपये में, बताना है कि सीजनल डिस्काउंट जो है वो कितना है। देखो कितना आसान है, 25,000 से शुरू कर लो, 25,000 शुरू करके पहले तो इसको 5% का डिस्काउंट दे दो, 10% कितना होगा 2500, 5% कितना होगा 1250, यानी 1250, आपका वैल्यू क्या बचेगा यहाँ 23,750। अब बेचा कितने में फाइनली, एक सीजनल डिस्काउंट देके, वो डी परसेंट मैंने लिख दिया, वो सीजनल डिस्काउंट देके इसको 20,900 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, अब मुझे इसका परसेंटेज मालूम करना है कि ये परसेंटेज जो है कितना होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप ऐसा कर लो कि इसको सॉल्व करते हैं, देखो 10% तो नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका 10% निकालते हो तो आप 2,375 माइनस करोगे, और 2,000 अगर माइनस हो रहा है तो 21,000 समथिंग आएगा, यहाँ 20,000 समथिंग है, तो इसका मतलब सर ये हो गया कि ये ऑप्शन गलत है, ये तो गलत ही है, 10 गलत हो गया तो 9 तो अपने आप गलत हो गया, मुझे 10 से ज़्यादा कम करना है। अब सवाल उठा कि क्या, तो अब मैं कहूँगा टेंशन मत लो, देखो 2375 अगर आपने कम किए इसमें से, जो वैल्यू आपको दी हुई है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है वहाँ तक मुझे पहुँचने के लिए मुझे कितना और चाहिए, ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़रा देखता हूँ, इसको इसमें जोड़ो ज़रा,
इसको अगर आप इसमें जोड़ते हो तो आपको मिलेगा 23,275। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मुझे यहाँ आना है, ये 275 है, ये आपका 750 है। ठीक है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे 475 जो है यहाँ पर लगाना पड़ेगा, 400 मुझे 75 यहाँ पर और लगाना पड़ेगा तब मैं यहाँ पहुँचूंगा। अब जो 475 है इसका मतलब इसमें मुझे 475 और माइनस करना पड़ेगा। अब 475 जो है ना वो साफ साफ दिख रहा है सर कितना है, 2% है, क्योंकि 1% जो होता है ना वो 237.5 है, उसकी भी इतनी ज़रूरत कहाँ थी। जहाँ आपको पता लगा कि 1% से ज़्यादा की ज़रूरत है बस हो गया 2%, क्योंकि 1% कितना है 237.5। तो बस आपको रफली अगर ऑब्जर्व आपने कर लिया ये नंबर देखे कि मुझे 400 और चाहिए तो इतना बहुत है मार्क करने के लिए कि मेरा आंसर 12% ही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है इसमें। 74 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि रिटेलर मार्क्स अप हिज गुड्स बाई 20% एंड देन ऑफर्स 25% डिस्काउंट, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑन एन आइटम दैट ही सेल्स इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹2500। ये कह रहा है कि भाई एक रिटेलर है वो 20% से मार्कअप करता है, फिर 25% का डिस्काउंट देता है, और ये कह रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस जो है दिया हुआ है सेलिंग प्राइस बता दो, इसका नेट रिजल्ट मालूम है क्या 10% होता है, नहीं पता है, दिखा देता हूँ। तो आंसर आपका 2500 माइनस 250 आपका 2250 हो गया। देखिए किसी भी क्वांटिटी को अगर आप 20% से बढ़ाते हो तो ये आपका 100 120 हो जाता है, फिर आपने 25% माइनस कर दिया, 1/4 इसका माइनस करूँ कितना आ जाएगा आपका 30 माइनस हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 90। 100 से 90 का मतलब होता है 10% का ड्रॉप हो गया, ये इफेक्टिव परसेंटेज हुआ। अब अगर आपका 2500 का सामान है और अगर आप उसको 10% का डिस्काउंट दे रहे हो तो 250 कम हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 2250। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शनल इज 18 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 144। ठीक है, अब देखिए मीन प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं और ऑप्शन को इन्होंने दे दिया है बहुत ही वाहियात, सिर्फ एक ऑप्शन सही हो सकता है दूसरा क्यों भाई। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब सिंपली ये होता है 18 into 18। अगर मीन प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं ना तो दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो ये होना चाहिए 18 into 18, राइट 324। अब देखो प्रोडक्ट 324 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे में और कहीं आ ही नहीं रहा है, तो क्या करें फिर हम, और तो हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, हमें तो फिर दूसरा ही मार्क करना पड़ेगा, है ना, केवल सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। तो हो गया मीन प्रोपोर्शनल। देखिए कैसे डिफाइन किया जाता है कि a अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन b, यहाँ पर ये मानता है ऐसे x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, x इज इक्वल टू रूट ए बी, इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं थी, सोचना ही नहीं था उसके बारे में। ठीक है, हो गया बस, जब दो नंबरों में मीन प्रोपोर्शनल आ रहा होता है ऐसा 324 प्रोडक्ट, तब हम सोचते यहाँ पर एक ही नंबर है तो उसका सही होना उसकी मजबूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कहीं भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c, तो a b c का रेशियो बता दो। इतना आसान सवाल है कि इसमें क्या ही बोले हम, है ना, कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। देखो सिंपल सा करोगे इसमें आप, 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c दिया हुआ है, है ना, तो पहला काम तो आप ये करो ना कि बस इन दोनों का रेशियो देखो, ए रेशियो बी। देखो ध्यान से, ए रेशियो बी ना आपका यहाँ से क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका ए रेशियो बी 2:3 आना चाहिए। देखो किस ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, केवल पहले दूसरे ऑप्शन में, तो बस उसका सही होना उसकी मजबूरी है। सिर्फ ए रेशियो बी देख के ही काम चल रहा है मेरा, 6a अगर 4b के बराबर है तो ए रेशियो बी क्या होता है सर, 4:6 यानी 2:3। आँख खुली दिमाग चौकन्ना, ठीक है, तो सवाल क्या हो जाएंगे आपके सामने, बौने हो जाएंगे, कुछ ही नहीं है, है ना। मतलब ये सवाल तो मेरा कराने का भी मन नहीं कर रहा है, बट मैं आपकी खुशी के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आसान सवाल था, लेकिन इसमें भी समय बचाया जा सकता है, वो बर्बादी मत करिएगा टाइम का कि हाँ इसको इक्वल टू सम एलसीएम एलसीएम निकाल के लिख रहे हो, समय बर्बाद किए जा रहे हो। कई लोग तो चालू होते ही कलम ऐसे निकलती है उनके हाथ से ना, उनका कंट्रोल ही नहीं होता है ना, जैसे लोग खुद नहीं कि उनका कई सारी चीज़ों में कंट्रोल नहीं होता है, है ना, कहते हैं छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, छूटती ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप समझ गए होंगे, है ना, मुझे डिटेल में उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की बात करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1:6:1:4:1:9। तुरंत ही उनका कलम चल जाता है, वो नहीं रोक पाते अपने आप को, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल दिखाओगे ना तो तुरंत दिखेगा ना आपको, ए रेशियो बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2:3 होगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ए रेशियो बी 2:3 है, बस उसका सही होना उसकी
बहुत बड़ी मजबूरी है, सही होगा ही होगा, क्या करना है, मार्क करिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 10 एंड 25। ठीक है, कितना आंसर होगा इसका, 62.5। कैसे कैसे इतना जल्दी निकला, देखो पहली बात तो ये कि थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है 10/25 इज इक्वल टू 25/x, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। अब यहाँ देखो ये क्या है, 10 और 25 का रेशियो 2.5 टाइम्स, तो ये भी 2.5 टाइम्स हो जाएगा 62.5, या फिर आप ऐसे देख लो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 25 बाई 10, 625 बाई 10 कितना हो गया 62.5। सेकेंड ऑप्शन, बहुत ही आसान सवाल मुझे दिख रहे हैं। 78 कह रहा है एक पर्स है जिसमें 34.5 रुपीज़ हैं, किस फॉर्म में, 1 रुपी, 50 पैसे एंड 10 पैसे क्वाइंस इन द रेशियो 6:9:10। तो बताना है कि 10 पैसे के कितने क्वाइन हैं, कितने सिक्के हैं 10 पैसे के। तो देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू दी हुई है ना 6:9:10, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये उन क्वाइंस के नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा वैल्यू, क्योंकि यहाँ टोटल वैल्यू दी हुई है। क्रैश कोर्स में मैंने ये चीज़ समझाई थी आपको कि कैसे होता है ये सब, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, उनके पास कितनी लिमिटेशन होती है कॉइन के केसेस में, वही है 6:9:10 है। अब 6:9:10 अगर आपको दिया हुआ है तो यहाँ से अब मैं लिखने जा रहा हूँ वैल्यू का रेशियो। देखिए 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये ही होती है 6 × 1, लेकिन 9 कॉइन्स जो 50 पैसे की हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होती है, 0.5 रुपये। तो ये 9 × 0.5 4.5 रुपीज़ हो गया, 10 रुपये है यहाँ पर। अब 10 रुपये नहीं, 10 सिक्के हैं लेट से 10 पैसे के, तो आपको टोटल रुपी में कितना हो जाएगा, 1 रुपी। ये फाइनल रेशियो मुझे मिल रहा है वैल्यू का रेशियो, जो कि टोटल कितना आ रहा है 11.5। 11.5 को यहाँ लेके जाओ कितना आया, 3 × 3 आ गया आपका, जो मेरा सम ऑफ पार्ट्स आया वैल्यू का वो 11.5 आया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है 34.5, यानी ये मल्टीप्लायर मेरा 3 आ गया। अब मल्टीप्लायर अगर 3 आ गया तो मैं यहाँ जाऊँगा और नंबर ऑफ कॉइन्स अगर मुझे निकालने हैं 10 पैसे के तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 30। अगर आपसे पूछता कि बताओ 50 पैसे के कितनी कॉइन है तो आप 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है 27 मिल जाता आपको, बहुत ही आसान सवाल था, 30 यहाँ से आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 103, 135, 110 एंड 144 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है तो आंसर है 9। कैसे किया मैंने इतना तेज, अभी समझाता हूँ। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे समझ लें, 103, 135, 110 एंड 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं अनुपात में हो। ठीक है, अब इसमें कि जिस फंडामेंटल का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ये फंडामेंटल पे मैंने आर्टिकल 4 साल पहले अपने ब्लॉग पे लिखा था, 4 years ago। ठीक है, पर ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, काम की चीज़ें। 103 + x / 135 + x = 110 + x / 144 + x। देखो ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं, और यहाँ पर आप ध्यान से ज़रा देखो इसमें कितना न्यूमरेटर में एडिशन हुआ है, 7, डिनोमिनेटर में कितना एडिशन हुआ है, 9। आपको ध्यान रखिए कभी भी अगर दो रेशियोज आपको दिए जाएं, लेफ्ट राइट में ऐसे लिखो आप, न्यूमरेटर्स का डिफरेंस निकाल लो और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकाल लो, तो जो इस डिफरेंस का रेशियो होगा वही इन नंबर्स का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, इन नंबर्स का रेशियो होना चाहिए, मतलब 103 प्लस एक्स अपॉन 135 प्लस एक्स भी 7:9 में होना चाहिए, तभी इसके बराबर हो सकता, वरना नहीं होता है। एक प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर आपके पास ए बाई बी कोई रेशियो दिया हुआ है, आप इसमें जो कुछ भी जोड़ रहे हैं, जो कुछ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जोड़ रहे हैं, सपोज करो कोई बराबर का नंबर जोड़ रहे हो एक्स और एक्स, सपोज करो हमने एक्स वहां जोड़ा और एक्स यहां जोड़ा, सॉरी वाई यहां जोड़ा, एक्स और वाई हमने जोड़ा, तो एक्स और वाई का रेशियो अगर ए रेशियो बी के बराबर होगा तो ये रेशियो नहीं बदलता है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैंने 3 डिजिट एडिशन डिविजन सिखाया था आपको जल्दी से,
कि कैसे आप 3 डिजिट नंबर्स को आप जल्दी से डिवाइड कर सकते हैं। शायद क्रैश कोर्स में भी मैंने वो चीज़ पढ़ाई है, वहाँ भी आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉग का आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि मेरे पास ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, अब इनका जो डिफरेंस आया 7 आया, इसका डिफरेंस 9 आया, मतलब इनका रेशियो पता लग गया कि ये 7/9 के बराबर होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, 7/9 है तो आप क्या करो, अब आप कहोगे मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं इस नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा कि इसके आसपास पहुँच जाऊँगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो आप, 7 टाइम्स कितना करोगे आप, 17 टाइम्स कर दो, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 119 आ गई। बस यही देख लो, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 9। जिनको शंकाएं बहुत रहती हैं इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 153 आ जाएगा। देख लो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 9। यहाँ भी 9 रख के चेक ही कर लो सर, तभी आपका आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ मैच कर रहा है। बट ये फंडा जो आपको मैंने दिया है इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा ज्ञान आज आपका है कि किसी भी नंबर में, अगर किसी भी रेशियो में, अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा जोड़ें कि वो भी ओरिजिनल रेशियो के बराबर हो, तो वो नंबर रेशियो जो है सेम रहता है। इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैंने कैलकुलेशन में भी 3 डिजिट/3 डिजिट नंबर के डिवीजन को बहुत आसान बनाया। ब्लॉग पे आर्टिकल दिया, पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हेन टिकट प्राइस टू ए वाटर पार्क आर इंक्रीज इन द रेशियो 11:12, देन द नंबर ऑफ डेली विजिटर्स टू द पार्क फॉल इन द रेशियो 8:7। इफ द डेली रेवेन्यूज बिफोर द इंक्रीज इन टिकट प्राइस वॉज ₹1,76,000, देन फाइंड डेली रेवेन्यूज आफ्टर द इंक्रीज इन द टिकट प्राइस। चलिए हिंदी में पढ़ता हूँ कि एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई, तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। यह टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व, दैनिक राजस्व 1,76,000 रुपये था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात करें। तो पहले मैं बताता हूँ नॉर्मल तरीका, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल तरीका, फिर आपको मिलेगा रैमो मंत्रा। रैमो मंत्रा का मतलब होता है क्वेश्चन देखा और आंसर लगाया, ऐसा करोगे आप। समझाऊंगा कैसे, मैंने क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ा मुझे आंसर पता लग गया क्या है, तो वो भी बताऊंगा। ट्रेडिशनल बता देता हूँ, देखो ये है 11, ये है 12, 11 से ये 12 हो गया, और यहाँ पर ये था आगंतुकों की संख्या 8 थी और 7 थी, भाई इन्हीं का प्रोडक्ट तो रेवेन्यू को करेस्पॉन्ड करेगा। ये है आपके टिकट प्राइस, ये आपका है आगंतुकों की संख्या, इनका प्रोडक्ट देता है राजस्व। यहाँ पर ये 88 है सर, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ रही है, 84। यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है 4 का। अब आप कहोगे कि ओरिजिनल जो राजस्व था वो क्या दिया हुआ था, 88 करेस्पॉन्ड कर रहा था 1,76,000 को। देखो इसके साथ पता है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते ही मुझे मालूम है कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अरे भाई कम हो रहा है ना, अब कम हो रहा है तो पहला और तीसरा आंसर तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 1,76,000 हो गया। अब मुझे क्या करना है, 4 पार्ट निकाल के माइनस कर देना है, 4 पार्ट इसका कैलकुलेट करने जाओ। ठीक है, तो आप कहोगे 88 पार्ट मुझे मालूम है, 4 पार्ट निकाला है मुझे, 22 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 22 से दोनों साइड डिवाइड करूँ 4 पार्ट आ जाएगा ना, 22 से आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया, 8,000, इसमें से 8,000 माइनस कर दो तो वैल्यू कितनी आ गई, 1,68,000। कोई तकलीफ नहीं मुझे इस मेथड से, बट समय की बर्बादी है। क्यों बर्बादी है ज़रा समझो, ये देखो क्या हुआ यहाँ पर कि आपको इतना बस दिमाग में सोचना है कि कैसे मिलेगा डेली रेवेन्यू, दैनिक राजस्व, नंबर ऑफ पीपल इनटू टिकट। तो 11 से 12 हो गया, ये 11 से 12 हो गया, कितना परसेंटेज बढ़ गया ये टिकट का प्राइस, आप कहोगे +1/11, 9.09% बढ़ गया। ठीक है, 1/11 बढ़ा ना, 9.09%। फिर यहाँ कहोगे 8:7 दिया हुआ, ये कम हुआ कितना, -1/8, 1 कम हुआ 8 पे, ये कितना होता है, 12.5%। ठीक है, अब आप मुझे बता दो कि 9.09% तो टिकट का प्राइस बढ़ा है, और 12.5% आपके लोग गिर गए। ठीक है, ये नेट डिक्रीज देगा या इंक्रीज देगा सक्सेसिवली, आप कहोगे सर अगर 10 बढ़ा के 10 कम कर देते ना तो भी डिक्रीज आता, यहाँ तो 9 बढ़ा के 12 कम कर रहे हो। ठीक है, +10 और -10 का रिजल्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। कोई भी परसेंटेज जिससे बढ़ा रहे हो उसी से कम कर दोगे, डिक्रीज होगा नेट, तो नेट डिक्रीज होगा। लेकिन सर आप मुझे बताओ वो डिक्रीज कितना हो सकता है, या देख के लग रहा है कि ये परसेंटेज काफ़ी आसपास है, तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होने वाला है, कुछ होगा 1%, 2%, बस इतना काफ़ी है। तो
छोटा मोटा अमाउंट ही कम होने वाला है ना। तो कितना मतलब ये कम तो होगा लेकिन कितना कम होगा, कितना वैल्यू में, कितना परसेंटेज के टर्म्स में कम हो जाएगा। तो आप कहोगे कि देखो इनका डायरेक्ट डिफरेंस ही लगभग 3.5% का दे रहा है ना, 3.5% का दे रहा है। तो आप कहोगे कि होगा इसी के आसपास, सक्सेसिव एक्सेसिव में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, वो इतना मीनिंगफुल नहीं है कि कोई बहुत बड़ा परसेंटेज आने वाला है, छोटा मोटा परसेंटेज है 3-4% का, ठीक है। अब जरा आप मुझे बताओ कि ये दो ऑप्शन तो खैर गलत ही हो गए, क्योंकि तो कह रहे हैं बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं। अब 112,000 और 168,000 में आप किसको सेलेक्ट करोगे, 168,000 को, क्योंकि वो 106,000 के पास में है। 112,000 पे चले गए तो आप करोगे वो लगभग कितना कम हो गया, इतना थोड़े ना कम हो जाएगा कि 64,000 की गिरावट आ जाएगी। मैंने कहा थोड़ा मोड़ा परसेंटेज है ना, थोड़ा मोड़ा परसेंटेज थोड़ा मोड़ा ही होगा ना इसका। देखो आप 1% किसके बराबर होगा, 1760 के बराबर होगा। अब 3-3.5% की वैल्यू कितनी होगी लगभग, है ना, आप निकाल लो खुद ही, 6-7,000 रुपये लगभग अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि एग्जैक्ट चेंज नहीं है, सक्सेसिव में थोड़ा बहुत और चेंज आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना आसान है चीज़ों को सोचना, तो आप मुझसे ये बोलोगे तो मैं ऐसे करूँगा, आप मुझसे पूछते हो सर किताब बता दो कौन सी पढ़े, सर मैं क्यों नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें किताब में नहीं दी हुई हैं। अगर इस तरह से किसी किताब ने समझाया हो तो तुरंत वो किताब खरीद लो, बस ये ध्यान रखना कि वो किताब मेरा वीडियो देखे जाने के बाद ना लिखी गई हो, ठीक है। तो बस क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं बताता है, वो सिंपल सा करा के आपको छोड़ देंगे ये पर हो गया, क्योंकि इसमें आपको भी समझ में आ जाएगा, कहोगे हाँ तकलीफ क्या है, तकलीफ है कि अननेसेसरी की कैलकुलेशन कर रहे हो, यहाँ बैठ गए, यहाँ ओरली आंसर निकल गया, यहाँ देखा 9.09, यहाँ देखा 12.5%, रफली डिफरेंस 3.5%, बस ठीक है हो गया, मार्क कर दिया। तो ये दैट विल अलाउ यू टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, राइट। आप मुझसे पूछते हो कि मैक्सिमाइज कैसे, आप पूछते हो कि 200 में 200 नंबर कैसे लाएं, मैं इसका जवाब तो कभी दूंगा ही नहीं आपको, क्योंकि मैं इस फिलॉसफी में बिलीव ही नहीं करता हूं। आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की इस तरह से तैयारी मत करो कि मुझे फुल मार्क्स लाने हैं, क्योंकि वो फिर ये लगता है कि आप किसी को दिखाने के लिए नंबर लाना चाहते हो कि 200 में 200 लाना है, पेपर देखा नहीं, पेपर मालूम नहीं, और 200 में 200 लाने चले, समझ रहे हो ना आप। तो लेट द पेपर बी इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने पेपर आने दो, आपकी स्किल अच्छी होगी तो आप अच्छा ही करोगे, अच्छे नंबर आएंगे, तो अच्छे नंबर एम करो। 200 में 200 ही कोई बेंचमार्क नहीं है अच्छे नंबर का, ठीक है। पिछले साल कितने लोगों के 200 में 200 नंबर आए बाय द वे, ठीक है, नहीं है ना। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वो पेपर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि पेपर वो 200 में 200 दे देगा या आपको 190 दे देगा, 180 दे देगा, समझ लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस पे काम करने का, कि आप नंबरों के पीछे अगर आप चेस डाउन करने लगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बहुत ही वर्स्ट गोल होता है कि मैं 200 में 200 लाऊंगा, ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। एग्जाम शुरू होते ही आपको लगेगा कि आई कैन नॉट लीव इवन ए सिंगल क्वेश्चन, ये कितना बड़ा प्रेशर है कि आपको एक सवाल आपसे नहीं भी निकल रहा है तो भी आपको लगेगा कि यार मेरा टारगेट तो पीछे छूट रहा है, 200 में 200 200 में 200, ठीक है, वहाँ सवाल दिमाग में चलेगा 200 में 200 200 में 200। ये सोचने से नंबर नहीं आते हैं। कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट क्या है, आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस करिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, समय बचाने के तरीके, ये उसी डायरेक्शन में एक कदम है। किस डायरेक्शन में, 200 में 200 का नहीं, स्कोर मैक्सिमाइजेशन। अब वो स्कोर मैक्सिमाइज होके उस दिन 200 में 200 हो जाए कि 198 हो जाए, वो डिपेंड करता है पेपर में और आपके ऊपर भी कि आप कैसे कैरी ऑन करते हो। बट मेरा अपना जो बिलीफ है, मेरा जो भी एग्जाम टेकिंग एक्सपीरियंस है कैट का या जो भी, मैं इतना जानता हूँ, प्रेशर फ्री रहोगे, अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर आप अगर नहीं डालोगे तो आप पेपर में अच्छा करके आओगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों का ध्यान रखेंगे और इस छोटी छोटी चीज़ों में कहीं ना कहीं इस लर्निंग को ग्रास्प करेंगे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अपनी लर्निंग में, फिर आपको नंबरों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो एप्ट्रेस का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यहाँ वैसे लिखा हुआ है एप्ट्रेस ई क्लासेस। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके अपने फेलो स्टूडेंट के साथ डिस्कशन भी करिए, साथ ही साथ इन्हें शेयर करते रहिए वीडियोज़ को, अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिए, फिर हम मोटिवेट होते हैं कुछ और करने के लिए आपके लिए, ठीक है। तो शेयरिंग का काम आप लोग करते रहिए, ग्रुप भी ज्वाइन करके आप रखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन की अपलोड भी मिलती रहे और आप कुछ मिस ना करें। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, फिर मिलेंगे, बाय बाय।